अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसकी सोल्यूशन। 32 पावर 2, 32 की जगह लिख लेते हैं 2 पावर 5 एंड होल पावर 2 प्लस, यहाँ पर भी 32 की जगह 2 पावर 5 एंड होल पावर 2 प्लस, यहाँ पर भी 2 पावर 5 एंड होल पावर 2 प्लस, यहाँ पर भी 2 पावर 5 एंड होल पावर 2 डिवाइड बाई 8 की जगह 2 पावर 3 एंड होल पावर ये वाला 2 प्लस, यहाँ पर भी 2 पावर 3 एंड होल पावर 2, 2 पावर 3 एंड होल पावर 2 प्लस 2 पावर 3 एंड होल पावर 2। अब हमारे पास एक लॉ है कि एक्स पावर ए एंड होल पावर बी इज इक्वल टू एक्स पावर ए एंड बी, तो इसी फॉर्म में हमारे पास मौजूद है, इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा कि 2 पावर ये दोनों प्रोडक्ट हो जाएंगे इसी के थ्रू, तो 2 क्रॉस 5 10 हो जाएगा, प्लस 2 पावर 10 प्लस 2 पावर 10 प्लस 2 पावर 10 डिवाइड बाई यहाँ से 2 पावर 3 2 इधर ये भी प्रोडक्ट हो जाएंगे, 2 पावर 6 प्लस 2 पावर 6 प्लस 2 पावर 6 प्लस 2 पावर 6। अब हम न्यूमरेटर से 2 पावर 10 कामन लेते हैं, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हमारे पास रह जाएगा। डिवाइड बाई यहाँ से 2 पावर 6 का मान लेते हैं, तो यहाँ पर भी इसी तरीके से 1 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो 2 पावर 10 इंटू ये 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 पावर 6 ये भी 4, तो ये कैंसल आउट, 2 पावर 10 डिवाइड बाई 2 पावर 6। तो इसके लिए हमारे पास एक और लॉ है, वो यह है कि जब कभी हमारे पास सेम बेसिस हो और उसमें डिवीज़न हो, पावर डिफरेंट हो, तो इस सूरत में एक ही बेस लिखा जाता है और पावर माइनस होता है, ए माइनस बी। तो अब देखो ये डिवीज़न में है, सेम बेसिस विद डिफरेंट पावर द, तो यहाँ पर 2 पावर 10 -6 हो जाएगा, ठीक है। 2 पावर 10 -6 इक्वल टू 2 पावर 4, सो 2 पावर 4 इक्वल है 16 का, सो यह है हमारा रिजल्ट। थैंक यू।